आज मुझे भी प्रत्येक शिष्य से दक्षिणा चाहिए, हर उस सनातनी से दक्षिणा चाहिए जो कभी न कभी किसी न किसी रूप में सनातनी परंपरा से जुड़े हुए व्यक्तित्व को अपना गुरु मानता है। आज गुरु पूर्णिमा के समय पर, इस अवसर पर, जिस पूर्णिमा पर सभी लोग अपने गुरु का पूजन करते हैं, अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, अपने गुरु के वचनों को, इच्छा को, दक्षिणा देने को पूर्ण करने के लिए राम ताड़का का वध करते भगवान श्री कृष्ण यमपुरी से अपने गुरु पुत्रों को लाते हैं, एकलव्य अपने अंगूठे को दे देता है। हमारे यहां कहा गया है पुराण वक्ता ही श्रेष्ठ गुरु माना गया है। तो आज ये गुरु जो आप लोगों का है, या पुराण कहने वाले प्रत्येक सनातनी का, कभी न कभी तो आपने मुझे कथा में सुना होगा, कुछ क्षण के लिए सही गुरु भाव आपके मन में मेरे प्रति आया होगा, चाहे जिन्होंने अन्य कहीं से भी दीक्षा ले रखी हो, आज उनसे भी एक दक्षिणा मांग रहा हूं। एज ए सनातनी, कभी तुमने राम के रूप में उसकी पूजा की है, कभी शिव के रूप में, कभी हनुमान के रूप में, कभी वेंकटेश के रूप में, कभी गोविंदा के रूप में, अनेक अनेक रूप में जिसकी पूजा तुमने कभी की है, वही तुम्हारा कृष्ण जामा मस्जिद की सीढ़ियों में है। मुझे मेरा कृष्ण लाके दो, मुझे मेरा कृष्ण लाके दो, मुझे मेरा कृष्ण चाहिए, यही मुझे दक्षिणा चाहिए, मुझे मेरा कृष्ण चाहिए। उन आतताइयों ने, उन आतंकियों ने न सिर्फ मेरे कन्हैया का मंदिर तोड़ा है, उन दुष्टों ने मेरे कृष्ण को ले जाकर हमारी भावना के साथ खिलवाड़ किया है, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी को दुख पहुंचाने का काम किया है। आज तक वो जलालत, वो अपमान महसूस कर रहे हैं। आने वाली पीढ़ी को क्या मुंह दिखाएंगे कि हम कृष्ण की पूजा करते रहे और वो कृष्ण सीढ़ियों में बैठा रहा और लोग उसके ऊपर पैर रख के चढ़ते रहे और हम देखते रहे, हम कुछ नहीं कर सकते। अगर थोड़ा भी सनातन जिंदा है, आओ जागो और जाग कर ऐसी आवाज बुलंद करो कि पूरा विश्व कहे कि सनातनियों जैसा धैर्यवान कोई नहीं, इन सनातनियों के कृष्ण को वहां से वापस लाओ।